हेलो स्टूडेंट टुडे वी हैव लर्न क्लास नाइन साइंस चैप्टर वन बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन तो हम लोग इस चैप्टर का ना टोटल दो वीडियो मतलब कि टोटल दो पार्ट आएगा इस चैप्टर का टोटल दो पार्ट आएगा फर्स्ट पार्ट में हम लोग आधे पोर्शन को ख़त्म करेंगे और सेकेंड पार्ट में आधे पोर्शन खत्म करेंगे तो ये इस वीडियो का ये इस चैप्टर का ना फर्स्ट पार्ट है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट पढ़ना तो फर्स्ट पार्ट का मतलब चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम है बायो डायो 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 एंड क्लासिफिकेशन तो बायो 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 मीन्स कहीं पर भी लिखा हो ना बायो मतलब होता है लाइफ क्या होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है वेरिएशन तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या होता है बच्चे कि बायोडाइडावर्सिटी का मतलब क्या होता है तो समझाते हैं बायडाइवर्सिटी का मतलब क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डाइ बायो या फिर डिफाइन बायो तो आप उसको सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हो लाइफ एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म लाइफ एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑन आवर प्लानिट अर्थ इज़ कॉल्ड बायो डाइवर्सिटी या फिर आ, और भी बोल सकते हो लाइफ एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑन आवर प्लानिट अर्थ द डाइवर्सिटी और वेरिएशन ऑफ दीज लिविंग फॉर्म्स इज कॉल्ड बायो डाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी या फिर वेरिएशन द वेरिएशन ऑफ दीज लिविंग फॉर्म्स इज कॉल्ड बायो तो ये हो जाएगा बायो का डेफिनेशन ठीक है अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है तो क्लासिफिकेशन मतलब ना क्लासिफाई करना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना यही होता है क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन का आप सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हो द मैथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म द मैथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स द मैथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफ्रेंसेस आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में अरेंज करना उनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के आधार पर उनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन तो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो यहाँ है बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है तो आगे तो इसमें बोला जा रहा है वी सी डिफरेंट ग्रुप ऑफ़ ऑर्गेनिज्म ऑल अराउंड अस तो हम लोग क्या क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमारे चारों ओर देखते रहते हैं अराउंड अस शेयरिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेज मतलब कि किसी में तो कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है और किन्हीं में कुछ डिफरेंसेज पाए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ऑफ एनिमल्स तो हम लोग हम लोग क्या देखते हैं एनिमल्स के ग्रुप को देखते हैं हमारे आसपास इन इसमें क्या क्या है हॉर्स डॉग्स कैट एसेट्रा या फिर हम लोग वाइल्ड प्लांट को देखते हैं वुड इंक्लूड नीम बनियन जामुन पामा ग्रेनेट एट्सेट्रा तो ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ग्रुप्स बनाए हैं मतलब कि ग्रुप में देखे हैं फिर आगे बोला जा रहा है मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप शेयर मोर सिमिलैरिटीज़ अमंग देम सेल्फ तो अब देखिए ना अब मैं मैं, मैं बोलूँ ना कि ना ग्रुप ऑफ एनिमल में जो कोई भी होगा ना वो एनिमल से ए, 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 एनिमल का कैरेक्टर को शो करेगा और ग्रुप ऑफ ना प्लांट में जो भी होगा ना वो प्लांट के कैरेक्टर को शो करेगा तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि मेंबर ऑफ अ ग्रुप शेयर मोर सिमिलैरिटीज मतलब कि जो भी मेंबर होते हैं ना ग्रुप के उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है अमंग देम सेल्फ देन विथ मेंबर ऑफ अदर ग्रुप अब मैं बोलूँ कि ग्रुप ऑफ एनिमल का हॉर्स और ग्रुप ऑफ प्लांट का नीम इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है तो नहीं इसमें कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है इसमें कोई कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ नहीं है बस ये सिमिलैरिटीज है कि दोनों क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो जो जो सेम ग्रुप के मेंबर होते हैं ना उनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है सेम ग्रुप के मेंबर में ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के मेंबर में सिमिलैरिटीज क्या होती है बहुत ही कम होती है ठीक है आ, आ, आगे बोला जा रहा है जो अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि स्मॉल ग्रुप एज ग्रुप ऑफ हॉर्स ले लिए हम लोग या डॉग ले लिए या कैट ले लिए या फिर नीम ट्री या फिर धतूरा ले लिए इफ़ वी कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ ईच ऑफ दीज इस्मॉलर ग्रुप अगर हम लोग हर एक स्मॉलर ग्रुप का क्या क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं न वी वुड फाइंड दैट हम लोग ये पाएंगे ना कि देंबर शेयर सेवरल सिमिलैरिटीज प्रॉपर्टीज इन विच इज क्लियरली सेपरेट दैम फ्रॉम द अदर ग्रुप मतलब कि अगर हम इन सबको क्लियरली स्टडी करें तो हम देखेंगे न कि ये क्या है ये है एनिमल के कैरेक्टर को शो कर रहे हैं और ये प्लांट के करेक्टर को शो कर रहे हैं ठीक है दीज प्रॉपर्टीज़ आर फाउंड इन द

तो जो भी प्रॉपर्टी जो भी सारे प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होते हैं किसी ग्रुप्स के एंड द ग्रुप डेट शेयर और जो ग्रुप क्या करता है शेयर करता है मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ उनको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज क्या बोलते हैं स्पीसी जैसे कि मैन चाहे वो मैन यहाँ का इंडिया का मैन हो चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो अफ्रीका का हो कहीं का भी होगा ना वो तो उसमें वही सब सिमिलैरिटीज़ होगी जो जो कि इंडिया वाले में होगी मतलब कि हर जगह के मैन में सिमिलरिटीज़ क्या होगी सेम सेम होगी इसीलिए ना मैन भी क्या है एक स्पीसीज़ है क्या एक है एक स्पीसीज़ है ठीक है तो अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैन मैन का एग्जाम्पल लिया गया है कि ह्यूमन स्पीसीज़ कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ह्यूमन स्पीसीज क्या है इसको हम लोग ग्रुप्स में बांटे हैं डेट आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है ना हैव द सेम कैरेक्टर सभी का सेम कैरेक्टर होगा मतलब कि कैरेक्टर क्या क्या तो पहला कैरेक्टर वेल डेवलप्ड ब्रेन सभी में डेवलप्ड ब्रेन होंगे स्पार्शली डाइवर्सिटेड बॉडी हेयर मतलब कि उनके बॉडी पे क्या होंगे हेयर होंगे एटसेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सिमिलैरिटीज़ बताना है तो ये क्या है कैरेक्टर है ये क्या है सिमिलर कैरेक्टर है जो कि कहीं ना कहीं पाया ही जाएगा सभी मैन में तो वी मे से डेट तो हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि दीज प्रॉपर्टीज़ आर स्पेसिफ़िक टू ह्यूमन कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है ह्यूमन के लिए स्पेसिफिक है और इसीलिए ये सेपरेट होता है अदर मै ऑफ ग्रुप से समझ में आ गया तो यहाँ पर सिंपल आपको समझना ये था ना कि ना जो भी पूरे वर्ल्ड में या कहीं पर भी जो प्रेजेंट है ना उनको हम लोग ग्रुप में बांट सकते हैं तो ग्रुप में बांटते कब है तो सिमिलैरिटीज़ के आधार पर बांटते हैं और डिफरेंसेस के आधार पर बांटते हैं ठीक है तो हम लोग को बस इसमें से याद ये करना है यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ लेना है उसको समझ लेना है ठीक है अब फिर पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन है डिस्कस विथ योर फ्रेंड वेदर मेम्बर ऑफ सेम स्पीसीज़ ऑलवेज शेयर द सेम प्रॉपर्टीज़ तो हाँ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं न कि जो सेम स्पीसीज़ हैं ना वो क्या करते हैं सेम प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं ठीक है ना तो इसका आंसर ट्रू हो सकता है ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू होगा ठीक है आगे पढ़ते हैं

तो स्टेम का लेंथ क्या है तो आप देखोगे जो लेंथ होगा उसको लिखोगे और फिर नंबर ऑफ़ लीव्स तो उसमें कितने लीव्स होते हैं तो आई थिंक टेन टू फिफ्टीन लीव्स होते होंगे एक साइड तो टेन टू फिफ्टीन मान लीजिए कि यहाँ पर टेन है इस इस वाले में ट्वेल्व है ठीक है ना इसका लेंथ सपोज करो कि इसका लेंथ लिख देते हैं आ, तो कितना होगा फिफ्टीन टू ट्वेंटी मान लीजिए इसका है ट्वेंटी सेंटीमीटर इसका है एटीन सेंटीमीटर ठीक है और फिर है शेप शेप कैसा होता है तो शेप होता है इलोंगेटेड टू ऑबलोंग इलोंगेटेड टू इलोंगेटेड टू ऑबलोंग तो इसका भी शेप वैसा ही होता है सेम टू सेम कलर कैसा होता है, तो, है कलर होता है डार्क ग्रीन डार्क ग्रीन तो इसका भी वही होता है डार्क ग्रीन कलर होता है एज कैसा होता है इसका एज होता है शार्प जो नीम का जो लीव होता है ना उसका एज क्या होता है एज मतलब किनारा का ज्यादा शार्प होता है लगता है कि कट जाएगा और इसमें वेनेशन कैसा होता है वेनेशन मतलब होता है कि मान लो मान लीजिए कि ये ऐसे करके लीव्स है, है ना तो लीव्स में वेनेशन कैसा होता है तो वैनेशन होता है रेटिकुलेट वशन क्या होता है रेटिकुलेट वशन देखिए ना वेनेशन टू टू टाइप्स का होता है पहला एक ऐसा वेनेशन होता है लीव्स जिसमें एक होता है पैरेलल वन इसको बोलते हैं पैरेलल ठीक है ना तो नीम में ऐसा नहीं पाया जाता है नीम में पाया जाता है रेटिकुलेट वेनेशन पैरल वेनेशन जो होता है ना बच्चे आपने देखा होगा कि राइस राइस का जो लीव्स रहता है उसमें देखा होगा फिर आपने देखा होगा इसमें क्या बोलते हैं वीट गेहूँ के में देखा होगा पैरल वेनेशन रहता है तो ऐसा आपने देखा है मतलब कि इसमें रहता है रेटिकुलेट वेनेशन रेटी रेटिकुलेट क्यूलेट ट बनेशन रहता है तो क्वेश्चन uh, है व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व इन द सिमिलर लुकिंग नीम प्लांट तो क्या क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला तो डिफरेंस देखने को ये मिला कि दो दोनों का लेंथ अलग हो सकता है नंबर ऑफ लीव्स अलग हो सकते हैं दोनों का शेप एंड साइज में हल्का हल्का मतलब कि साइज में डिफरेंस हो सकता है कोई नीम का लिप्स इतना बड़ा होगा किसी नीम का लिप्स इतना बड़ा होगा ठीक है तो तो साइज में डिफरेंस देखने को मिल सकता है कलर में वेरिएशन देखने को मिल सक सक सकता है कलर कोई होगा डार्क ग्रीन का कोई होगा लाइट ग्रीन का ठीक है एज एज दोनों का शार्प ही होगा लेकिन कोई ज़्यादा शार्प होगा कोई को कोई थोड़ा कम शार्प होगा लेकिन दोनों में वेनेशन कितने होंगे रेटिकुलेट वेनेशन ही होंगे यहाँ पर भी रेटिकुलेट वेनेशन होगा दोनों का भी शार्प एज होगा तो कुछ कुछ डिफरेंस क्या होता है देखने को मिलते हैं एक्टिविटी सेकेंड करने को रहा है एक्टिविटी सेकेंड क्या है तो ऑब्जर्विंग ह्यूमन तो अभी हम लोगों ने किया प्लांट को ऑब्जर्व अब करेंगे हम लोग ह्यूमन को ऑब्जर्व मतलब ह्यूमन मतलब एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे तो इस एक्टिविटी में दिस एक्टिविटी में मे बी डन इन अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट टेन चिल्ड्रन तो हम लोग को कम से कम दस बच्चों की आवश्यकता होगी इस एक्टिविटी करने के लिए ऑल द इन्फॉर्मेशन एज इन द टेबल शुड बी कलेक्टेड एंड नोटेड सभी इंफॉर्मेशन को लिखना है और नोट करना है तो देखते हैं करते हैं तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है मान लीजिए कि सीरियल नंबर वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स है इसमें किसी भी बच्चे का नाम लिख दो मान लो कि राम सीता श्याम लक्ष्मण कोई भी अजय आ, रीमा ठीक है ना तो इन बच्चों का ना, नाम नाम लिख दो उनका हाइट मेजर करो तो देखो सभी का हाइट कुछ ना कुछ अलग होगा तो इसको हाइट को लिखोगे वेट सभी का हाइट कुछ ना कुछ अलग अलग होगा उसको लिखोगे लेंथ ऑफ पॉइंटर फिंगर पॉइंटर फिंगर का लेंथ उसको नोट करोगे तो सभी का लेंथ को नोट करोगे थम प्रिंट सभी के थम प्रिंट को यहाँ पर लगा लगा करके देखोगे ठीक है पाम लेंथ पाम पाम का लेंथ को देखोगे पाम का लेंथ को देखोगे पाम का लेंथ को देखना है और व्रत को देखना है इसको वृत्त को देखना है पाम का लेंथ और व्रत को देखना है तो यहाँ पर लेंथ और व्रत लिख लिखे लेंगे फिर देखने को क्या मिलेगा क्वेश्चन uh, फर्स्ट बोल रहा है विच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वर सिमिलर कौन कौन सा प्रॉपर्टी सिमिलर है तो सिमिलर प्रॉपर्टी कौन कौन सा है तो सिमिलर प्रॉपर्टी एटलीस्ट इन सम इंडिविजुअल मतलब कि किसमें पर देखने को मिल सकता है तो किसी का हाइट और किसी का वेट ये दोनों सिमिलर हो सकता है किसी किसी का ठीक है ना लेकिन ना, हाइट वेट और लेंथ ऑफ पॉइंटर ट्रिथ तिन, भी हो सकता है फिंगर मतलब पॉइंटर फिंगर भी सिमिलर हो सकता है किसी के पाम का भी मतलब कि इन सब इन सभी में से ना कुछ भी क्या हो सकता है चारों में से कोई कोई भी सिमिलर हो सकता है लेकिन थम प्रिंट क्या होगा सिमिलर नहीं होगा फिर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर डिफरेंट इन ऑल इंडिविजअल क्या डिफरेंस है सभी इंडिविजुअल में तो सभी इंडिविजुअल में ना जो थम प्रिंट है ना वो सभी का क्या होगा डिफरेंट 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 होगा इसीलिए ना आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी एक पर्टिकुलर का मोबाइल है और उस मोबाइल में अगर दूसरे मतलब कि किसी मतलब कि उसी मोबाइल के ऑनर का क्या है थम प्रिंट अगर लगा हुआ है ना फिंगर प्रिंट तो ना आप उस आप उस थम प्रिंट पर अगर आप अपना फिंगर रखोगे तो कभी खुलता नहीं है वो तो सभी का थम प्रिंट क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है तो कुड यू फाइंड एनी टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू ऑफ योर क्लास हुज प्रॉपर्टीज वर एग्जैक्टली द सेम क्या आपने किन्हीं दो लोगों को फाइंड किया जिनका सारा प्रॉपर्टी क्या हो सेम हो तो नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता तो हम लोगों ने फाइंड नहीं किया है तो बोलोगे द थम्ब प्रिंट द दम इम प्रिंट ऑफ ऑल योर क्लासमेट डिफर तो हमारे सारे क्लासमेट का क्या है थम प्रिंट डिफर डिफर है द थम्ब इम्प्रिंट प्रिंट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल तो थम प्रिंट क्या है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है हम सभी इंडिविजुअल का जो कि हमको दूसरे पर्सन से अलग बनाता है ठीक है आगे बोला जा रहा है स्पीसीज हैव सिमिलर एज वेल एज डिफरेंट कैरेक्टर दिस डिफरेंसेस इज़ कॉल्ड वेरिएशन तो वेरिएशन क्या होता है तो ऐसे स्पीसीज जिसमें सिमिलर के साथ साथ डिफरेंट कैरेक्टर भी होते हैं ना उनको लोग बोलते हैं वेरिएशन वैसे मतलब होता है कि जो इसमें है इसमें नहीं है मतलब कि जो इसमें है इसमें नहीं है और जो इसमें है वो इसमें नहीं है तो यही कहलाता है वेरिएशन ठीक है तो वेरिएशन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज तो वेरिएशन ही क्या करता है हेल्प करता है हमको आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल को स्पीशीज में से तो हम हम ये बोल सकते हैं ना मैं मान लीजिए ना कि ना क्लास में सिक्स बच्चे हैं तो मैं अगर बुलाऊंगा ना कि राम इधर आओ तो राम उठ करके आएगा ना कि सीता श्याम लक्ष्मण जय रीमा ये सब उठ करके आएंगे बस राम आएगा तो वेरिएशन ही क्या करता है हमको बताता है ना कि ये इंडिविजुअल क्या है इस इंडिविजुअल से अलग है ठीक है ड्यू टू दिज वेरिएशन वी फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन्हीं सभी की वजह से ना हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखते रहते हैं द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑक्युपाइज कंप्राइजेज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया तो ये ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है न किसी पर्टिकुलर एरिया में वही क्या कहलाते हैं वही हो वही होते हैं डाइवर्सिटी उस बा, बायोडाइवर्सिटी उस एरिया के लिए तो आई होप आप, आप लोग को समझ में आया होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है ठीक है ना तो यहाँ पर एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू का बताने का मतलब यही था ना कंक्लूज़न इसमें यही था ना कि ना पहले तो आप लोग को बायोडाइवर्सिटी को समझना है कि बायोडाइसिटी होता क्या है तो बायो मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन कि ना डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं आ, हमारे पर्टिकुलर एरियाज में और आप ये बोल सकते हो ना कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप्स के स्पीसीज़ पाए जा जाते हैं और एक स्पीसीज़ के कैरेक्टर क्या होते हैं सिमिलर होते हैं और एक और दूसरे स्पीसीज़ का मतलब कि मतलब कि ये एक स्पीसीज़ है और एक एक स्पीसीज़ है तो दोनों कैरेक्टर क्या होगा सिमिलर नहीं होगा और और हर स्पीसीज़ क्या होता है अपने आप में इंडिविजुअल होता है क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर मतलब कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है तो अभी तक जितना पढ़े हैं उसका कंक्लूजन यही है कि आप लोग को समझना है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे बायोडावर्सिटी का मतलब क्या होता है तो बायोडावर्सिटी का आप लोग डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा क्या समझाया गया है अब आगे पढ़ते हैं अब नेक्स्ट uh, है वन पॉइंट टू ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है तो ग्रुप में डिवाइड करना ग्रुप में डिवाइड का कब करते हैं तो कुछ कुछ सिमिलैरिटीज अगर मान लो किसी में कुछ सिमिलैरिटीज है तो इस सिमिलर लोगों को इस ग्रुप में डिवाइड कर दिया इसमें कुछ सिमिलैरिटीज है तो इसको इसमें डिवाइड कर दिया इन लोगों को इसको इसमें डिवाइड कर दिया तो ग्रुपिंग कब करते हैं हम लोग जब किसी में कुछ सिमिलैरिटीज होती है जैसे मैंने बोला ना कि क्लासरूम है तो क्लासरूम को बोला ना कि चलो दो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाओ तो लोग बच्चे लोग बोलेंगे सर कैसे डिवाइड हो जाए तो मैं बोलूंगा कि ना बॉयज बॉयज अलग डिवाइड हो जाओ और गर्ल्स गर्ल्स अलग डिवाइड हो जाओ ठीक है ना तो इस तरीके से कर सकता हूँ डिवाइड या फिर मैं

तो एक एक्टिविटी है एक्टिविटी थ्री एक्टिविटी थ्री समझते हैं क्या बोला जा रहा है एक्टिविटी थ्री में तो एक्टिविटी थ्री है तो बोला जा रहा है इसमें वी ऑब्जर्व सेवरल टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस डेली डेली तो हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे चीज अपने डे टू डे लाइफ में अपने चारों ओर एंड कैटेगराइज देम डिफरेंट टू यूज दैम इन डिफरेंट वेज़ और उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि जब मुझे इसका जरूरत पड़ेगा तो मैं ये इसका यूज करूँगा जब इसका जरूरत पड़ेगा तो मैं ये यूज करूँगा ऐसा करके ठीक है फॉर एग्जाम्पल थिंग्स यूज इन द किचन थिंग्स यूज फॉर प्ले एट्सट्रा मतलब कि जो किचन का सामान है ना उसको किचन में रखेंगे जैसे कि मान लो न कि कहीं कह, कह, कहीं पर मुझे ना रखना है मसाला रखना है मतलब कि स्पाइसेस रखना है तो मैं उसको किचन में रखूँगा ना ना जाकर के मैं उसको स्टोर रूम में या प्ले प्ले रूम में नहीं रखूँगा कि वहाँ पर जाकर मैं रख रख दूँ कहीं मा मान लो मेरे पास पिकल है अचार है तो अचार को मैं कहाँ पर रखूँगा यहाँ पर प्लेइंग uh, रूम में रखूँगा नहीं अचार को जाकर किचन में रखूँगा ठीक है ना राइस है तो राइस को जाकर किचन में रखूँगा ना कि मैं यहाँ रखूँगा क्रिकेट है क्रिकेट बैट है तो बेड को मैं कहाँ रखूंगा यहाँ पर या किचन में तो मैं यहाँ पर रखूंगा तो यही होता है ग्रुपिंग करना क्या होता है ग्रुपिंग करना मतलब कि जो जो सिमिलर कैरेक्टर वाले होते हैं उनको एक जगह रखना आगे बोला जा रहा है यू हैव बीन गिवेन अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आपको ये सारे डिफरेंट थिंग्स दिए हुए हैं कैटेगराइज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज तो इनको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करना है अरेंज करना है तो करते हैं अरेंज तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है वुडन थिंग्स पहले से इसमें ग्रुप बना दिया है वुडन थिंग का वुडन तो थिंग में कौन कौन सा आएगा प्लास्टिक इसके लगा क्या नहीं बुक नहीं पेन नहीं टेस्ट ट्यूब नहीं वुडन ब्लॉक क्या आएगा यहाँ पर वुडन ब्लॉक नेक्स्ट है लेंस नहीं आएगा प्लेन मिरर नहीं आएगा पीस ऑफ ग्लास नहीं आएगा ग्लास पीसेस ऑफ प्लास्टिक नहीं आएगा रबर बॉल नहीं आएगा क्रिकेट बैट क्या आएगा क्रिकेट बैट रोप नहीं आएगा निडल नहीं आएगा वुडन स्केल क्या आएगा वुडन स्केल पेंसिल आएगा ठीक है ना तो ये आ जाएगा क्यूबॉडल थिंग क्यूबॉयडल मतलब होता है क्यूब के शेप का क्यूब के शेप का इस शेप का तो इस शेप का क्या क्या है तो इस शेप का है प्लास्टिक स्केल प्लास्टिक स्केल हाँ बोल सकते हैं प्लास्टिक स्केल नहीं प्लास्टिक स्केल नहीं आएगा बुक हाँ बुक है इस शेप का फिर पेन नहीं है टेस्ट ट्यूब नहीं है वुडन ब्लॉक वुडन ब्लॉक होगा इस शेप का तो वुडन ब्लॉक लेंस हाँ लेंस अगर आ, बोलता ना यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेंस लेंस अब अलग टाइप के हो सकते हैं तो नहीं लेंस नहीं आएगा लेंस को मैं ऐसा मान चाह रहा हूँ कि वो ना कॉनकेव का है ठीक है ना तो प्लेन मिरर प्लेन मिरर आएगा यहाँ पर प्लेन uh, मिरर के बाद आता है पीछे सब ग्लास पीछे सब प्लास्टिक रबर बॉल क्रिकेट बैट रोप नीडल वुडन स्केल हाँ वुडन स्केल जो होता है ना वो होता है क्यूबॉडिकल थिंग वुडन स्केल वैसे ही आप यहाँ यहाँ बोल सकते हो प्लास्टिक प्लास्टिक आइटम प्लास्टिक आइटम प्लास्टिक आइटम में क्या क्या हो जाएगा तो प्लास्टिक स्केल हो जाएगा तुम्हारा पेन आ सकता है प्लास्टिक में पेन आ सकता है टेस्ट ट्यूब टे टेस्ट ट्यूब बोल दीजिएगा ग्लास आइटम ग्लास आइटम ग्लास आइटम में आ जाएगा टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब ठीक है वुडन ब्लॉक नहीं आएगा इसमें लेंस लेंस आ जाएगा ग्लास ट्यूब में प्लेन मिरर आ जाएगा ग्लास में पीस ऑफ ग्लास आ जाएगा ग्लास में पीस ऑफ ग्लास पीस ऑफ प्लास्टिक आ जाएगा प्लास्टिक में पीस ऑफ प्लास्टिक रबर बॉल नहीं आएगा तो या यहाँ पर रबर आइटम लिख सकते हैं रबर आइटम यहाँ पर ए, एक और बोल सकते हैं प्लेइंग आइटम प्लेइंग आइटम या फिर रबर बॉल क्रिकेट बैट रोप हाँ मतलब सही है इतना आ, पीस ऑफ प्लास्टिक फिर रबर बॉल इसमें नहीं आएगा रबल इसमें नहीं, नहीं आएगा क्रिकेट बैट इन दोनों में से नहीं आएगा किसी में रोप uh, नहीं आएगा निडल निडल नहीं आएगा वुडन स्केल वुडन स्केल इसमें किसी नहीं आएगा पेंसिल पेंसिल किसी में नहीं आएगा तो ऐसे करके क्या क्या कर सकते हम लोग नेम ऑफ ग्रुपिंग कर सकते हैं ठीक है तो इसमें क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है वॉट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज डेट यू केप्ट इन योर माइंड टू फॉर्म ग्रुप तो हम लोग किस टाइप के प्रॉपर्टीज को जब लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट रहे थे ना तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी को मतलब कि जब लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांट रहे थे तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी को ध्यान में रख करके किए थे तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को ध्यान में के किए थे ना कि ना आ, सेम सेम प्रॉपर्टी वाले सेम मतलब कि सेम प्रॉपर्टी रख रखने वाले ऑब्जेक्ट सेम ग्रुप में आ जाए तो हम लोग यही कर रहे थे इन विच ग्रुप वुड यू कीप मैक्सिम ऑब्जेक्ट टुगेदर तो किस ग्रुप में आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्ट देखने को मिला तो आप बोल सकते हैं वुड एंड थिंग्स में यानी कितने हैं इसमें वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री वन टू थ्री फोर किसी और में भी जब करोगे ना तो देखने को मिलेगा तो जो उसको लिख दीजिएगा ठीक है ना आगे है ऑन द बेसिस ऑफ विच स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कुड यू फाइंड कुड यू फॉर्म अ ग्रुप विथ मिनिमम नंबर मिनिमम ऑफ द गिवेन थिंग्स तो आप बोल सकते हो यहाँ पर रबर आइटम रबर आइटम में लिख लिख दोगे रबर बॉल तो रबर बॉल क्या था मतलब रबर आइटम में हम लोग को रबर बॉल मिला जो कि क्या था एक उसमें आइटम आया ठीक है ना आगे क्या बोला जा रहा है आगे पढ़ते हैं तो बोला जा रहा है कि सर्टेन प्रॉपर्टीज आर सिमिलर विदिन अ ग्रुप तो इस ग्रुप कि जो हम लोग देखेंगे ना इस ग्रुप को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिमिलैरिटीज़ है क्योंकि ये सारे क्या है वुडन थिंग्स है इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है सिमिलैरिटीज़ कि ये क्यूबॉर्डल थिंग है ठीक है ना ये बुक हो गया वुडन ब्लॉक हो गया ये प्लेन मिरर हो गया तो देखिए कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रहा है पूरा सिमिलैरिटीज़ नहीं है इसमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है प्लास्टिक आइटम में भी कुछ कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल रहा है इसमें कुछ कुछ सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है दिस प्रॉपर्टीज इज़ कंसिडर्ड एज द करेक्टर ऑफ ग्रुप तो ग्रुप का करेक्टर क्या होता है कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में रख कर के ग्रुपिंग करते हैं वी कुड यूज़ अ रबर बॉल अ क्रिकेट बैट अ रोप एंड अ प्लेन मिररर टू प्ले अच्छा प्लेइंग आइटम भी यहाँ लिख सकते हैं प्लेइंग आइटम में हम लोग रबर बॉल को लिख सकते हैं क्रिकेट बैट को लिख सकते हैं रोप को लिख सकते हैं और किसको बोल रहा है uh, प्लेन मिरर को बोल रहा है कि प्लेन मिरर को प्लेन मिरर का कैसे बच्चे प्लेन मिरर से देखते हो हम लोग ना वो करते हैं क्या बोलते हैं एक कांच मतलब कि कांच को देख कांच को देख दे, देखते हैं और कांच से निशाना लगाते हैं दूसरी ओर कांच को देख करके ठीक है ना तो वैसा कर सकते हैं हम लोग और भी बहुत सारा है तो यहाँ पर प्ले कर सकते हैं तो फिर आ, आगे बोला जा रहा है फिर इसमें नेक्स्ट बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सेयड सिमिलर सिमिलरली बाय मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग तो ग्रुपिंग का यहाँ पर डेफिनेशन है तो मैंने आप लोग को बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन और अब ग्रुपिंग का डेफिनेशन पढ़ा दिया हूँ तो उसको याद रखिएगा ग्रुपिंग का डेफिनेशन क्या है तो बोलोगे द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑन बेसिस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मतलब किसी एक फ़ीचर्स को लेकर के सेयर्ड सिमिलरली बाय द मेम्बर ऑफ अ ग्रुप तो ग्रुप के अंदर क्या करेंगे उसको उसको सिमिलर एक करेक्टर होगा उसमें उसका ना क्या बोलते हैं ग्रुपिंग बोलते हैं ठीक है ना तो अब आगे पढ़ते हैं आगे बोला जा रहा है अनदर प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम लिस्ट हैिवेन हेयर तो वही लिस्ट है जो पहले दिया हुआ था उसको इसने डिड डिफाइन किया है थिंग्स मेड ऑफ वुड तो थिंग्स जो जो वुड से बने हुए हैं यहाँ लिख दिया थिंग्स नॉट मेड ऑफ़ वुड थिंग जो जो वुड से नहीं बने हुए हैं तो उसको यहां पर लिख दिया अब फिर से इसको कैटेगराइज किया है कैसे कैटेगराइज किया है थिंग्स मेड ऑफ ग्लास ग्लास जो कि से बने हुए हैं और दूसरा थिंग्स नॉट मेड ऑफ ग्लास जो कि ग्लास से नहीं बने हुए हैं ठीक है आगे बोला जा रहा है तो यही है क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स ठीक है ना समझ में आ गया अब आगे पढ़ते हैं मतलब इसमें यह बोला जा रहा है ना कि हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग कर सकते हैं ऐसा नहीं है ना कि जिसमें बोला गया है उसी से करना है ग्रुपिंग हम लोग किसी भी बेसिस को किसी भी एक कैरेक्टर को चुन लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है इसमें उसमें हम लोग ग्रुपिंग कर देंगे आगे पढ़ते हैं तो देखिए अब आगे बोला जा रहा है क्लासिफिकेशन के बारे में तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन का जो आपको बताया गया था डेफिनेशन बस उसको पढ़िएगा और यहाँ पर कुछ खास नहीं है ठीक है अब हम लोग पढ़ते हैं 1.3 पॉइंट थ्री फॉर्मर अटैम्प्ट ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन कि कैसे हम लोगों ने ना मतलब कि फॉर्मर अटैम्प्ट की कैसे शुरुआत में कैसे कैसे अटैम्प्ट किए गए ग्रुपिंग करने के लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए तो बोलोगे सबसे पहले एरिस्टोटल एरिस्टोटल मेड अटैम्प्ट टू वॉर्ड ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर हैबिटेट तो सबसे पहले ना एरिस्टोटल ने क्या क्या क्या, क्या किया अटैम्प्ट किया ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करने के लिए कैसे ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर हैबिटेट हैबिटेट मतलब होता है कि कहाँ पर वो रहते हैं उनके बेसिस पर तो ही ग्रुप्ड ऑर्गेनिज्म एज डोज ऑफ़ लैंड और वाटर तो उसने ग्रुप किया उसने ग्रुप्ड किया ऑर्गेनिजम को कि लैंड और वॉटर की कौन लैंड पे रहता है और कौन वाटर पे रहता है तो समझ में आ गया तो सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया एरिस्टोटल के द्वारा जिन्होंने ना बेस चुना आ, है, हैबिटेट को बेस चुना कि बेस के मतलब कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग मैनिक के क्या किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है पहला है लैंड एनिमल मतलब कि लैंड और दूसरा क्या है वाटर ठीक है ना आगे पढ़ते हैं फिर इसके बाद लीनियस लीनियस आ, क्लासीफाई ऑल प्लांट ऑन अर्थ ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर लाइक द प्रजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट तो आ, उस उसके बाद क्या है एक लीनियस करके एक साइंटिस्ट थे वो आए उन्होंने क्या क्या किया उन्होंने ना जो भी प्लांट है ना जो भी सारे प्लांट है अर्थ पर उनको डिवाइड किया उनके एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन मतलब कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को लेकर के क्या कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट मतलब कि किस में किस प्लांट में मेल पार्ट पाया जाता है किस प्लांट में फीमेल पार्ट पाया जाता है तो उसको लेकर के क्या किया उसने क्लासिफिकेशन किया एंड दे आर नंबर टू प्रिपेयर अ सिंपल स्कीमा ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि उसने उसने क्या किया आ, सेक्स को आ, बेस मान करके क्या किया है क्लासिफिकेशन किया है कि किसमें मे मेल पार्ट पाया जाएगा मतलब कि जिस जिस प्लांट में मेल पार्ट पाया जाएगा आ, उसको अलग क्लासिफाई किया जाएगा और जिस प्लांट में फीमेल पार्ट पाया जाएगा उसको अलग क्लासिफाई किया जाएगा तो इसके बेसिस पर क्या किया उन्होंने क्लासिफिकेशन किया तो इस टाइप के क्लासिफिकेशन को बोला गया सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सिस्टम इस सिस्टम के बारे में ना उनके बुक में सिस्टमें नेचुरे मतलब कि इसमें बताया गया है जिसको पब्लिश किया गया था सेवेंटीन थर्टी फाइव में फिर उसके बाद लीनियस फिर नहीं माने वो उन्होंने फिर सोचा कि क्या करता हूँ मैं फिर से क्लासीफाई करता हूँ तो उसने फिर से क्लासीफिकेशन किया तो लीनियस लीनियस ने क्या किया द होल वर्ल्ड को कुड बी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कौन कौन सा कैटेगरीज प्लांट और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मतलब कि या या तो प्लांट किंगडम होगा या तो एनिमल किंगडम होगा मतलब कि दो दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम लीनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस हरकी इन द सिस्टम लीनियस ने क्या किया हरैर्की बताया हरकी मतलब होता है कि ना जैसे ना मैंने मैं, मैं बोलूँ ना कि आपके घर का हर क्या है फैमिली फे, फे, हर या वो बोलते हैं फैमिली फे, ट्री बोलते हैं तो बोलोगे कि आप पहले आपके दादा दा दादा दादी थे फिर दादा दादी से कौन हुए दादा दादी के बच्चे हुए ठीक है ना उसमें से एक है आपके पापा पापा और आपकी माँ दोनों सेम सेम रहेंगे और फिर उसके बाद आ, आपके पा पापा और माँ से कौन हुए आप लोग हुए हैं तो ये क्या है हेरकी है तो लीनियस ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया हेरकि इन द सिस्टम ऑर्गेनिज्म वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट हिस्टोरिकल इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अ ग्रुप लाइक मतलब कि लीनियस uh, ने हरार्की सिस्टम के बारे में बताया और उसने क्या बताया तो बोला कि द लीनियन लिनियन हरैर्की फॉर मैन इज तो क्या है हर तो पहला है किंगडम मतलब सबसे बड़ा क्या होगा किंगडम होगा फिर होगा फाइलम क्या होगा फाइलम होगा uh, ये जो फाइलम है ना ये ये फाइलम होता है एनिमल uh, के लिए और उसी को वो दु, दूसरा दु, यहाँ बोल सकते हो डिवीज़न क्या बोल सकते हो डिवीज़न तो पहला बोला कि, कि सबसे ऊपर क्या है किंगडम है फिर उसके बाद फाइलम और डिवीज़न है फाइलम फॉर एनिमल और डिवीज़न फॉर प्लांट्स प्लांट्स के लिए है उ, उसके बाद आएगा क्लास नी, नीचे क्या आएगा क्लास आएगा क्लास के बाद क्या आएगा ऑर्डर आएगा ऑर्डर के बाद क्या आएगा फैमिली आएगा फैमिली के बाद क्या आएगा जीनस आएगा और जीनस के बाद क्या आएगा स्पीसीज आएगा मतलब कि हम लोग स्पीसीज है हम लोग निकले हैं जीन से ठीक है ना तो ऐसे करके हैं तो किंग किंगडम में बोला गया है एनिमेलिया आ गया एन एनिमेलिया क्या है एनिमेलिया है मल्टी सेलुलर यू कैरियोटिक न्यूट्रिशन स्टार्ट विथ इंजेशन ऑफ फूड मतलब कि न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है फूड को अंदर लेने से मतलब कि माउथ के अंदर लेने से फिर है फाइलम फाइलम है कॉडेटा जिसमें क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है मतलब कि रीढ़ की हड्डी पाई जा जाती है पेयर्ड अपेंडिकस मतलब कि दो पैर मतलब कि दो दो पैरों पे चलते हैं ठीक है ना और यहाँ पर है डिवीजन फॉर प्लांट प्लांट के लिए यहाँ पर अलग से आ जाएगा ठीक है ना तो यहाँ यहाँ पर तो केवल एनिमल का बताया गया है प्लांट का नहीं बताया गया है फिर है क्लास थर्ड मतलब क्लास में क्या बांटा गया है मैनिमीलिया मै मैनीमीलिया मतलब जी जिनके बॉडी पर हेयर पाया जाता है और जिनके कान क्या होते हैं बाहर की ओर होते हैं और मैनिमीलिया और क्या होता है जो अपने ना बच्चों को बर्थ देता है जो गिफ्ट देयर यंग वंस अपने बच्चों को जन्म दे देता है और वो उनको फिर दूध पिलाता है ठीक है ना तो ये होता है मैमेलिया फिर है ऑर्डर फिर है प्राइमेट प्राइमेट क्या है ओपोजेबल थम्ब फाइव फिंगर ईच इन फोर एंड हिंडल मतलब कि उ, 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 उन उनमें क्या होता है थम्ब होता है और पाँच फिंगर होते हैं पैरों में भी और हाथों में भी फैमिली फैमिली में आते हैं फैमिली फैमिली में क्या आते हैं होमिडे बाई बाई पैडल मूवमेंट बाई बाई पैडल मतलब होता है कि पैरों से दो पैरों से चलने वाले दो पैरों से चलने वाले फिर आते हैं जीनस मतलब होता है होमो होमो मतलब होता है कि वेल डेवलप्ड ब्रेन जी मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म का वेल डेवलप्ड ब्रेन रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग होमो और सेपियंस मतलब कि सेपियंस ये सेपियंस मतलब कि स्पीसीज इस में आते हैं सेपियंस तो होमो सेपियंस यहाँ पर आ जाता है ह्यूमन बींग आ जाता है क्या आता है ह्यूमन बींग आ जाता है तो ये यही किया मतलब कि हरैर सिस्टम को लेकर हर सिस्टम के बारे में बताया किसने लीनियस ने बताया है ठीक है ना उसमें सबसे ऊपर क्या है तो आ सकता है ना कि ना राइट द हरैरकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस लीनियस ने जो बताया था उसके बारे में बताइए तो बोलोगे कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीसीज ठीक है अब आगे पढ़ते हैं तो जब ये सिस्टम लेकर के आए ना तो फिर ना मतलब कि इन्होंने जब डिस्क्राइब किया दो ग्रुप में प्लांट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो लोगों को लगा ना कह रहे ये तो बहुत अच्छा है इससे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लेकिन नहीं आ, कुछ इसके लिमिटेशन भी थे क्या लिमिटेशन थे जैसे कि यहाँ पर डू में बोला गया है कि युगलिना इस सच एन ऑर्गेनिज्म यूगलिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है डैट शो बोथ एनिमल एंड प्लांट कैरेक्टर तो जो कि प्लांट और एनिमल दोनों कैरेक्टर को ये शो करता है तो अब बताओ इसको कहाँ रखे प्लांट किंगडम में रखे कि एनिमल किंगडम में रखे तब तो अब तो लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगा तो या यही बोला गया ना कि ना हम लोग इस इस, इस सिस्टम को मानेंगे नहीं कोई और क्लासिफिकेशन लेकर के आओ अच्छा क्लासीफिकेशन तो आ, तो इन इनका क्या हो गया ये जो क्लासिफिकेशन है यहीं पर रद्द हो गया फिर कोई दूसरा आता है लेकर के पहले उसको बाद में पढ़ेंगे अभी इसको पढ़ते हैं कि यूकलिना क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर को शो करता है इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट उसके पास क्लोरोप्लास्ट है डज नॉट हैव वा अ सेल वॉल उसके पास सेल वॉल नहीं है क्लोरोप्लास्ट है तो ये खाना अपना खुद बना लेता है एंड एक्वायर फूड बोथ ऑटोट्रोपिकली एंड हैड्रोट्रॉपिकली मतलब कि ये फूड दोनों दोनों तरीके से ले सकता है ऑटोट्रॉपिक भी मतलब कि खाना खुद भी बना करके और हेटोट्रॉपिक मतलब दूसरे पर डिपेंड रहता है ये फूड के लिए उसके थ्रू भी क्या कर सकता है अपना खाना बना सकता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं आ, फिर वन सच स्कीमा वॉज सजेस्टेड बाय आर एच विटेकर तो आर एच विटेकर आते हैं इन 1969 में और वो एक आ, शो करते हैं इसे सिस्टम और बोलते हैं विटेकर क्लासिफाइड द होल लिविंग वर्ल्ड इन टू फाइव किंगडम तो विटेकर ने क्या किया 1969 में ना एक सिस्टम दिया सिस्टम दिया उस सिस्टम में ना उन्होंने क्या किया सारे लिविंग वर्ल्ड को पांच किंगडम में क्लासिफाई किया हिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन फॉलोइंग कैरेक्टर इनका जो क्लासिफिकेशन था ना ये ना इन सारे कैरेक्टर पे डिफाइंड था क्या क्या था कैरेक्टर तो पहला कैरेक्टर था द एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन तो या तो किसी में न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एबसेंस रहेगा उस टाइप का अलग क्लासिफिकेशन है या तो उसमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा तो उस टाइप से अलग क्लासिफिकेशन है तो जिसमें न्यूक्लियर मैमब्रेन एबसेंस रहता है उसको बोलते हैं प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और जिसमें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है उनको बोलते हैं यू कैरियोटिक तो या, याद रखो नाम का बस ये प्रो है लेकिन ये प्रो नहीं है ये क्या है न्यूक्लियर uh, वाला है और यू कैरियोटिक क्या है, है. न्यूक्लियर मतलब 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 जो पहले आया है तो इसलिए pro, uh, pro उसको बोलते हैं जिसमें ना लैक ऑफ न्यूक्लियर मैमब्रेन होता है या एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मैमब्रेन होता है और यू कैरियोटिक उसको बोलते हैं जिसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मैमब्रेन होता है ठीक है ना तो पहला कैरेक्टर क्या था द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेकेंड क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर मतलब कि यूनिसेलर मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल और मल्टी सेलुलर मतलब होता है मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मतलब कि बना हुआ है कि, uh, ये ये बनता है मतलब कि इस इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेल होते हैं केवल और केवल एक सेल होते हैं और इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन सेल होते हैं देखिए अब आगे थर्ड था, थर्ड कैरेक्टर क्या है थर्ड है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन लेने के लिए कौन सा प्रोसेस वो लो लोग करते हैं तो पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक क्या होता है तो ऑटोट्रॉपिक होता है कि ये क्या करते हैं अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं और हेटोटॉपिक क्या होता है ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और, और दूसरा है हेटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आर एच वेटेकर ने नाइनटीन में पूरे लिविंग वर्ल्ड को फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया और ये जो क्लासिफिकेशन था उनका इन तीन कैरेक्टर पर बेस था पहला था एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट प्रोकैरियोट एबसेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू कैरी ऑट प्रस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर मल्टी सेलर यूनिसेलर मेड अप ऑफ ओनली वन वन सेल यूनिसेलर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल मल्टी सेलर प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हैट्रोट्रॉपिक ठीक है अब नेक्स्ट है वन पॉइंट फोर विटिकर क्लासिफिकेशन विटिकर क्लासीफिकेशन पढ़ते हैं क्या है तो जो इन्होंने पाँच किंगडम बताया था ना उसी का यहाँ पर है तो पढ़ते हैं इसको तो देखिए इसको पढ़ना चालू करते हैं तो विटेकर डिवाइड इंटायरली लिविंग वर्ल्ड हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग किंगडम तो पांच किंगडम है ना तो याद रखिए किंगडम का नाम किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई किंगडम एनीमिलिया किंगडम प्लांटी मोनेरा प्रोटिस्टा फंजी एनमीलिया प्लांटी तो पांचों नाम याद रखना है तो पहला है तो डिवाइड कैसे किया गया है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें पहले डिवाइड किया गया है प्रो कैरियर देखिए पहले क्या पहले क्या डिवाइड किया गया था पहला पहला बेचिस क्या था कैरेक्टर में था पहला था प्रो कैरियट और यू कैरियोट तो प्रो कैरियोट क्या होते हैं प्रो कैरियोट होते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियर मैम्बरेन और इसमें आते हैं प्रजेंस ऑफ न्यूक्लियर मै में तो एबसेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पहला है यूनिसलर क्या है यूनिसलर तो प्रोकैरियोट वाले कैसे होते हैं यूनिसलर होते हैं और इसमें आता है किंगडम मोनेरा क्या आता है किंगडम मोनेरा एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बैक्टीरिया तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट प्रोकैरियोट में यूनिसलर और मोनेरा और एग्जाम्पल बैक्टीरिया अब यूकैरियोट में भी दो दो तरीके से होता है यूनिसेलर और मल्टी सेलर देखिए यहाँ पर ना यहाँ पर ये फर्स्ट कैरेक्टर है क्या है यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर यहाँ पर क्या है ये सेकेंड कैरेक्टर है ना सेकेंड कैरेक्टर यूनिसेलर मल्टीसेलर तो यूनिसेलर क्या है बच्चे यु, तो यू कैरियॉट में भी मतलब कि यहाँ पर है एबसेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ पर है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में केवल और केवल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं इसमें आता है मोनेरा किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया एग्जाम्पल और यू में प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दोनों आते हैं यूनिसेलर भी आते हैं और मल्टी भी आते हैं यूनिसेलर में क्या आता है प्रोटिस्टा आता है एग्जाम्पल अमीबा या अमोइबा ही बोलते हैं ना अमोबा या फिर अमीबा तो यूनिसेलर में आ गया प्रोटिस्टा अमीबा और इसमें आ जाएगा मल्टी सेलर में विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल देखिए हम लोगों ने पढ़ा किया हम लोगों ने पढ़ा किया हम लोगों ने पढ़ा पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिवाइड किया गया प्रो कैरीऑट और यू कैरियाट प्रो कैरियाट में था यूनि सेलर में था कि किंगडम मोनरा एग्जाम्पल है बैक्टीरिया दूसरा था यू कैरियाट यू कैरियाट में है यूनिसेलर और मल्टी सेलर मल्टी सेल्यर में यूनि सेलोर में क्या है प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा में क्या आता है बा आता है अब आता है मल्टी सेल्यर मल्टी सेलर को भी डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में पहला है विथ सेल वॉल और दूसरा है विदाउट सेल वॉल सेल वॉल जो होता है ना बच्चे ये केवल और केवल प्रेजेंट रहता है प्लांट में किसमें प्लांट में प्लांट प्लांट किंगडम में प्रेजेंट रहता है ये ठीक है ना तो इसमें विथ सेल वॉल को बांटा गया है टू टाइप्स में कैन फोटो सिंथेसिस और कैन नॉट फोटो सिंथेसिस तो जो फोटो सिंथेस कर लेते हैं उसमें आएगा किंगडम प्लान्टी क्या आएगा किंगडम प्लान्टी एग्जाम्पल आ जाएगा नीम क्या आ जाएगा नीम एंड डबल यूएम नीम और जो फोटो सिंथिस नहीं कर पाते हैं उसमें आ जाएगा फनजाई या फंगी जिसमें एग्जाम्पल आता है राइज़ोपर्स क्या आता है राइज़ो पस और फिर इसमें है विदाउट सेल वॉल की जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है जैसे कि एनिमल एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है प्लांट में सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल दोनों पाया जाता है लेकिन एनिमल में केवल और केवल सेल व... केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है सेल वॉल नहीं पाया जाता है तो विदाउट सेल वॉल में बांटा गया है एनिमीलिया को इसमें क्या आएगा ह्यूमन बींग आएगा ह्यूमन बींग तो देखिए बहुत ईजी है ना तो पहले आप बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है टू टू टाइप्स में प्रो कैरियॉट यू कैरियॉट प्रो कैरियॉट में यूनिसेलर किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया यू कैरियॉट में यूनिसेलुलर मल्टी यू सेलुलर यूनिसेलुलर में आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा अमोबा मल्टी सेल को दो भाग बांटा गया है विथ सेल वॉल विदाउट सेल वॉल विथ सेल वॉल को भी दो भाग बांटा गया है कैन फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं उसमें बांटा गया है किंगडम प्लांटी को नीम कैन नॉट फोटो फोटोसिन्थेसिस मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं ये डिपेंड रहते हैं दूसरे पर इसमें बांटा गया है फंगी को एग्जाम्पल राइजोपस दूसरा है विदाउट सेल वॉल विदाउट सेल वॉल में बांटा गया है एनिमल को इसमें आएगा ह्यूमन बीइंग आज के लिए बस इतना ही आ, अब बाकी का कल पढ़ते हैं ठीक है आ, तो ये है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फ़ाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो में ना मतलब पार्ट टू में ना हम लोग इसका पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे पूरे इसको इलोबरेट करके पढ़ेंगे पा पाचो किंगडम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही आई uh, होप आपको वीडियो पसंद आया है और मेरा काम पसंद आता है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर से ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू